आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरे क्या होता है, एरे का सिंटैक्स और एक एग्जांपल प्रोग्राम करके हम देखेंगे कि एरे का प्रोग्राम कैसे बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी एंड सी प्लस प्लस के टॉपिक के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एरे क्या होता है। तो एरे इज डिराइव डेटा टाइप विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। एरे एक डिराइव डेटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से बना है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है एरे इज ए वेरिएबल विच स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप्स। एरे एक वेरिएबल है जो कि सेम डेटा टाइप के ए वैल्यू को स्टोर करता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, एक से ज़्यादा वैल्यू को, सेम डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है एरे। अगर एक वैल्यू की बात करेंगे हम तो वो तो हम बिना एरे का यूज़ करके भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है एरे कांट कंटेन्स डिससिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे डिससिमिलर टाइप ऑफ डेटा कंटेन नहीं करता, यानी अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को ये कंटेन नहीं करेगा, ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के वैल्यू को ही कंटेन करता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया एरे इंडेक्स ऑलवेज बिगिन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ए ऑफ ज़ीरो कॉल्ड बेस इंडेक्स ऑफ एरे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरे का इंडेक्स हमेशा यूनिक आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है जिससे हम बेस इंडेक्स ऑफ एरे बोलते हैं। तो एरे का बेस इंडेक्स क्या होता है, ज़ीरो पोजिशन यानी स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ एरे, इसको बेस इंडेक्स ऑफ एरे। द साइज ऑफ एरे इंडेक्स ऑलवेज 0 to n-1। एरे का साइज 0 से लेके n-1 तक होता है क्योंकि एरे का बेस इंडेक्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0। तो इसका टोटल साइज होता है -1n तक। तो हम एरे को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या फिर कहें तो परफॉर्म करा सकते हैं। तो हमने लिखा है वी कैन परफॉर्म एरे इन टू वे। फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल एरे। हम वन डायमेंशनल एरे का एक सिंपल प्रोग्राम करके आपको बताएंगे इसी वीडियो में आगे। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D, 3D ये सारे एरे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे को प्रोग्राम के जरिए इम्प्लीमेंट करके जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एरे का सिंटैक्स, क्योंकि इसी सिंटैक्स का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर चाहे वन डायमेंशनल एरे हो या फिर टू डायमेंशनल। तो ये सिंटैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टॉपिक में सिंटैक्स एक इम्पोर्टेंट की होता है। अगर आप सिंटैक्स नहीं जानेंगे तो आप कोई भी टॉपिक समझ नहीं सकते हैं। तो सिंटैक्स में होता है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, साइज ऑफ एरे। तो यहाँ पे डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट, कैर, फ्लोट, वेरिएबल नेम अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस और साइज ऑफ एरे। तो ये जो हमने ब्रेसेस लगाया है साइज ऑफ एरे में, इसे हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर। अगर आपसे कोई बोल देगा कि हम कौन सा ऑपरेटर एरे में यूज़ करते हैं, तो आपको बोलना है सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर को हम एरे में यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम एरे का साइज लिखते हैं उस साइज को लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझेंगे, तो सपोज़ डेटा टाइप हमारा इंट हो गया, वेरिएबल नेम एरे और साइज हमने ले लिया 10। तो यहाँ पे हमारा 10 मेंबर ही एरे में इनपुट होगा। तो 0 से लेके n माइनस तक एरे का साइज होता है, यानी 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 के बीच 10 मेंबर आ गए। तो यही है एरे का मैक्सिमम साइज। तो चलिए पहले 1D एरे का हम प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम 2D एरे का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्राम में हमने सबसे पहले हेडर फाइल लिखा है, हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड kunayo.h। देन हमने void main फंक्शन बनाया है। उस void main फंक्शन के अंदर हम एक इंट टाइप का डेटा टाइप लेंगे जिसमें हमने एक एरे बनाया।
एरे का साइज हमने 5 दे दिया, यानी हमारे एरे में टोटल एलिमेंट 5 इनपुट होंगे, उससे ज़्यादा एलिमेंट हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले इसकी साइज को बता दिया। तो यहाँ पे एक लूप वेरिएबल का काम होगा, तो मैं आई नाम का एक लूप वेरिएबल बना लिया। तो अब हम लूप चलाते हैं आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 एन आई प्लस प्लस। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, एन माइनस 1 तक जाता है, इसीलिए 5 माइनस 1 4। तो अब हम एरे में 5 एलिमेंट इनपुट करेंगे, तो हम स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करके एरे में एलिमेंट इनपुट करेंगे। तो अभी तक हमने प्रोग्राम में क्या किया, सिंपली एरे बनाया और एक लूप वेरिएबल का यूज़ करके हम एरे में एलिमेंट इनपुट कर दिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ में एक मैसेज दे देता हूँ, इंटर एलिमेंट्स इन एरे। इससे क्या होगा कि हम जब कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें एरे में एलिमेंट इनपुट करने के लिए बोला जाएगा। ये बस समझने के लिए हम इस लाइन को लिखे हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं नहीं भी। तो अभी हमने एरे में जो एलिमेंट इनपुट किया है 5 एलिमेंट्स, तो उस एलिमेंट को तो हमें प्रिंट भी कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरे एलिमेंट्स, यानी जब हम एलिमेंट इनपुट करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे इंटर मार के, तो हमें ये मैसेज मिलेगा एरे एलिमेंट्स। और जिस तरह से हमने एरे में एलिमेंट इनपुट किया था लूप चला के और स्कैनअप फंक्शन से, तो उसी लूप का यूज़ करके हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमें उतने ही एलिमेंट प्रिंट कराने हैं जितना हमने इनपुट किया था। तो मैंने लूप चलाया आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। तो 0 से लेके 4 के बीच हमारे 5 एलिमेंट्स आ गए, तो अब उसी एलिमेंट को हमें प्रिंट कराना है। तो हम लिखेंगे %d एरे आई, क्योंकि आई हमारा 5 टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा, लूप वेरिएबल है, तो इसी आई में हमारा 5 वैल्यू होगा, इसीलिए हमने एरे आई को प्रिंट किया। हमने %d के बाद स्पेस दिया है ताकि हमारा एलिमेंट स्पेस में प्रिंट हो। तो चलिए कोड को, हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, तो मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। हमने एरे बनाया है, एरे में हमने क्या किया, एलिमेंट को इनपुट किया, एलिमेंट इनपुट करने के बाद हमने उस एलिमेंट को प्रिंट कराया जो एलिमेंट हमने इनपुट किया था। कोड को कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं, तो इंटर एलिमेंट्स इन एरे, तो मैं 5 एलिमेंट इनपुट कर देता हूँ क्योंकि हम अपने एरे का साइज 5 लिए थे, तो इसमें 5 एलिमेंट्स ही आएगा। देन हमें एलिमेंट्स प्रिंट में मिल गया, जो एलिमेंट्स हमने इनपुट किया था एग्जैक्ट वही एलिमेंट हमें प्रिंट में मिल गया। अब हम 2D एरे का एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने 1D देखा, अब हम 2D एरे का एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि ये कैसे बनता है। तो मैं एक एरे बना लेता हूँ 2 रो 2 कॉलम का। 2D एरे में हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, इसीलिए हमने 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स बना लिया एरे से। आई जे हमारा लूप वेरिएबल है। देन हमने CLR SCR फंक्शन लिखा है, ये हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ में मैसेज दे देता हूँ, इंटर एलिमेंट्स इन एरे, तो ये हमें रन टाइम में मैसेज मिलेगा। तो अब हम ठीक वैसे ही लूप चला के एरे में एलिमेंट को इनपुट करेंगे जैसे हमने 1D एरे में किया था। तो 2 रो 2 कॉलम का हमारा एरे है, इसीलिए हमने 0 से लेके लेस देन 2 तक लूप चलाया, और जे वाला लूप भी हम 0 से लेके लेस देन 2 तक चलाएंगे। तो 0 और 1, ये हो गया हमारा 2 नंबर, इसी में हमारा एलिमेंट इनपुट होगा। तो जे लूप के अंदर हम एरे में एलिमेंट इनपुट करेंगे, तो हम स्कैनअप में लिखेंगे %i array j। तो यहाँ पे हमारा आई रो के लिए काम करेगा और जे वाला जो लूप वेरिएबल है वो हमारा कॉलम के लिए काम करेगा। तो हमने क्या किया, आई वाला लूप चलाया 0 से लेके लेस देन 2 तक, जे वाला लूप लेस देन 2 तक चलाया और एरे में एलिमेंट इनपुट कर दिया, यानी 2 रो के लिए और 2 कॉलम के लिए एरे में एलिमेंट इनपुट होगा। तो अब हमें उस एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंटफ में एक मैसेज दे देंगे, एरे एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब जब एरे का एलिमेंट प्रिंट होगा तो ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा। तो मैं स्लैशन यूज़ कर देता हूँ ताकि हमारा एरे का एलिमेंट्स
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हों। तो जो लूप चला के हमने एरे का एलिमेंट इनपुट किया था, सेम उसी लूप का यूज़ करके हम एरे में एलिमेंट प्रिंट करेंगे। यानी जितने एलिमेंट हमने इनपुट किया था, ठीक उतने ही एलिमेंट हमें प्रिंट करने हैं। तो मैं प्रिंट एफ में उसी एरे आई को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा परसेंट डी इंटीजर का मॉडिफायर होता है एलिमेंट इनपुट और प्रिंट कराने के लिए, एरे आई जे। तो ये हो गया हमारा एरे में एलिमेंट इंसर्शन और प्रिंट। तो मैं यहाँ पे स्लैशन लिख देता हूँ क्योंकि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में एरे का एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया, एरे में एलिमेंट लूप चला के इनपुट कराया, रो कॉलम का लूप चला के, और उसी रो कॉलम का लूप चला के हमने एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराया। तो सबसे पहले रो वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, 0 < 2 कंडीशन ट्रू, तो जे वाला लूप 2 times चलेगा। तो हमें 2 एलिमेंट प्रिंट में मिलेंगे। उसके बाद हमारा स्लैशन एग्जीक्यूट होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर से हमारा आई वाला लूप चलेगा, 1 < 2 कंडीशन ट्रू, जे वाला लूप फिर 2 times चलेगा और 2 एलिमेंट हमें प्रिंट में मिलेंगे। तो चलिए कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेसेस छोड़ दिया था। तो चलिए अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट इनपुट करता हूँ 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट प्रिंट में मिल गए।